महेश्वरी फाउंडेशन और बरेली ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी ने बांटे मास्क। बरेली के सैटेलाइट चौराहे पर महेश्वरी फाउंडेशन व बरेली ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी ऑटो चालक को मास्क, कैप, किल्स आदि बांटे। अध्यक्ष ने बताया, मैं अजय राज शर्मा। सर, आज जो ये मास्क वितरण हो रहा है, ये किस संस्था से हो रहा है, सर जानना चाहेंगे, और कब से कब तक ये मतलब जो मास्क वितरण आप कर रहे हैं? ये आप जो देख रहे हैं कि महेश्वरी लक्ष्मी हमारा जो संस्थान जो है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें हमारा कैलाश हॉस्पिटल भी है और जो नीडी लोग हैं उनमें हमने वितरक समाज, जो समाचार पत्र वितरक समाज है, उनको हमने बड़े पैमाने पे लिया है। जो 1.5 लाख घरों तक अखबार पहुंचाते हैं सुबह सुबह, उन सबको हमने सुबह उठ के ये सुरक्षा के उपाय किए हैं ताकि उनको संक्रमण ना हो, वो खुद बचें और परिवार को बचाएं, ऐसी मुहिम हम लोगों ने चला रखी है। तो हम कितने रुपये आपको सामान दे रहे हैं, लेकिन आपको रोज़ाना अपने जीवन में सामान का इस्तेमाल करना है। आज इसी में ऑटो वाले हमने टीम को जोड़ा है, इसमें पंकज पांडे जी हमारे जो है अध्यक्ष हैं इसके, ये हमारे साथ में है, और 7000 ऑटो हैं जिनसे लगातार खतरा बना रहता है कि उनको संक्रमित होने की संभावना रहती है। तो अगले में हम फोटो जर्नलिस्ट हमारे जो घूम रहे हैं, इन लोगों को भी हम किट, पीपी किट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। मैं शिव कुमार बटरिया हिंदू समाज कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये आज का जो कार्यक्रम है, हम समाज सेवा का कार्य करते हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है, बहुत से गरीब भाई जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और खोंचे लेके ठेलों पे सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन सब के लिए ये ज्ञान बांटने की ज़रूरत है कि मास्क हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें डिस्टेंस बनाना कितना ज़रूरी है। केवल दो सही बातें उन तक पहुंच जाएं तो वो समाज को, समाज का भला भी करेंगे और अपना भी भला करेंगे। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम जगह जगह हम कर रहे हैं। सुबह हमने डेला पीर की सब्जी मंडी में किया था, वहाँ 2000 मास्क बांटे थे, और अभी हम यहाँ सैटेलाइट पर ये ऑटो स्टैंड वाले ऑटो के जितने भी वाहक हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया था, और यहाँ उन सबको मास्क, उनके सर की कैप, हाथ के दस्ताने और शू कवर, ये उनको दिए गए हैं ताकि जब वो चलें तो अपने को कवर करके चलें, और इससे समाज को निश्चित ही लाभ होगा और लाभ हो रहा है। हम पिछले महीने की 15 तारीख से ये कार्य कर रहे हैं। इसमें हमने जो अस्पताल वाले हैं उनको भी हमने लिया है, और अस्पताल के अतिरिक्त जो जगह जगह फड़ खोखा लगाते हैं उनको भी लिया है, और सड़क पर चलते हुए लोगों को भी दिया है। तो ये एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।